केकेआर और आरसीबी का मैच हो और रोमांच देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों टीमों का इतिहास ऐसा रहा है जिसने हमेशा से एक एक्साइटेड मैच ही दिखाया है। और इन दोनों मैच के दौरान गर्मा गर्मी देखने को भी मिलती है, और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विराट कोहली और गौतम गंभीर, दिल्ली के दोनों ही एंग्री यंग मैन नाराज दिखे। विराट का नाराज होना तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए उसने एम्पायर के फैसले पर सवाल खड़े किए। हर्षित राणा की बॉल विराट के लिए बीमर थी, लेकिन जिस तरह से कैमरे में दिखाया कि बॉल ड्रिफ्ट हो रही है, उसे देखकर तीसरे एम्पायर ने विराट कोहली को आउट दे दिया। लेकिन जिस समय विराट ने उस बॉल को फेस किया था, उस समय गेंद में ऊंचाई थी और राणा ने उस गेंद को ज्यादा ऊपर से छोड़ा था, इसलिए भी ये डिसीजन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल था। और इस डिसीजन के बाद विराट कोहली ने जोरदार बहस भी एम्पायर से की, और डगआउट में जाते समय उन्होंने बल्ले से डस्टबिन को गिरा दिया, और उनकी विकेट की वजह से इस मैच में जीत और हार का फर्क भी पड़ा और टीम का सफर भी समाप्त हो गया। लेकिन विराट के डिसमिसल को कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं। वही टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने भी ट्वीट कर कहा कि विराट का वो गेंद लीगल था और वो सही फैसला था, यानी कि विराट आउट थे। जिसके बाद फैंस ने भी इरफान पठान को ट्रोल किया और तरह तरह के पोस्ट किए। वही इस मैच में केकेआर के कोच गौतम गंभीर भी थोड़े से नाराज दिखे और एम्पायर से भिड़ते हुए नजर आए, और आरसीबी के मैच में उनका भी एग्रेशन दिखाई दिया। और अंत में जिस तरह से मैच का हाल रहा था, उसे देखकर तो गंभीर थोड़े पैनिक मोड में चले गए थे, लेकिन अंत में केकेआर के लिए जीत आई और सब कुछ ठीक रहा। मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली शानदार तरीके से गले भी मिले, जिसके बाद ऐसा लगा कि मामले को लेकर विराट पूरी तरह से भड़के नहीं है। लेकिन इस मैच में गर्मा गर्मी जरूर देखने को मिली, और फिर से एक बार केकेआर और आरसीबी के फैंस को एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिला।